हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रफ राइडर इवनिंग। सो गाइस, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली जो कि KTM बाइक्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ KTM कंपनी के भारत में टोटल कितने बाइक्स चलती हैं और उनके प्राइस और इंजन डिटेल्स भी बताऊँगा। सो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा KTM इंडियन की ब्रांड है ही नहीं, ये एक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है। फिर भी KTM कंपनी की बाइक इंडिया की मार्केट में काफ़ी पकड़ बना ली है और अपनी शानदार लुक्स और बेहतरीन पिकअप से ये लोगों के दिलों में राज करती है और आज की युवाओं को ये पहली पसंद भी हो गई है। फ्रेंड्स, KTM कंपनी की स्थापना 1992 में हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत 1934 से ही हो गई थी। बट फ्रेंड्स, मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि KTM कंपनी के भारत में टोटल कितने बाइक लॉन्च हुए हैं। KTM डूक 125cc, ये बाइक KTM कंपनी की सबसे सस्ती बाइक है। इस बाइक का ऑनर प्राइस है दिल्ली में 1.62 लाख। इस बाइक का अगर पावर फिगर की बात करें तो इस बाइक में आपको 124.7cc 4-स्टॉक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल FIBS6 कंप्लाइंट इंजन मिल जाता है, जो कि 14.3 PS का पावर और 2.8 मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इस बाइक में आपको डुअल डिस्क भी सिंगल चैनल EBS भी मिल जाती है और इस बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अदरवाइज 125cc में 6 स्पीड गियर बॉक्स नहीं मिलती। इस बाइक में भी आपको फुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है और अगर माइलेज की बात करें तो इस बाइक में आपको 42 KMPL की माइलेज भी मिल जाती है। टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक से आपको 125 KMPH की टॉप स्पीड मिल जाती है। KTM RC 125, इस बाइक का ऑनरोड प्राइस है दिल्ली में 1.75 लाख। इस बाइक का इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 124.7cc 4-स्टॉक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FIBS6 कंप्लाइंट इंजन मिल जाती है, जो कि 14.5 PS का पावर और 12 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस बाइक में भी आपको डुअल डिस्क भी सिंगल चैनल EBS के साथ आती है, 6 स्पीड गियर बॉक्स भी मिल जाती है, फुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाता है। और अगर इस बाइक का फ्यूल टैंक की बात करें तो इस बाइक में आपको 9.5 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है। माइलेज की बात करें तो इसलिए आपको 41 KMPL की माइलेज मिल जाती है। और अगर टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक से आपको 125 KMPH की टॉप स्पीड भी मिल जाती है। KTM डूक 200, इस बाइक का ऑनरोड प्राइस है दिल्ली में 1.96 लाख। और इस बाइक का इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इस बाइक में आपको 199.5cc 4-स्टॉक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल FIBS6 कंप्लाइंट इंजन मिल जाती है, जो कि 25 PS का पावर और 19.3 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस बाइक में आपको डुअल डिस्क विद डुअल चैनल EBS भी मिल जाती है और फुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इस बाइक से आपको 13.5 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है। और माइलेज की बात करें तो 32-35 KMPL की माइलेज भी मिल जाती है। टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक से आपको आराम से 138 KMPH की टॉप स्पीड भी मिल जाती है। KTM RC 200, इस बाइक का दिल्ली में ऑनरोड प्राइस है 2.23 लाख। इस बाइक का पावर फिगर की बात करें तो इस बाइक में आपको 199.5cc 4-स्टॉक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल FIBS6 कंप्लाइंट इंजन मिल जाता है, जो कि 25 PS का पावर और 19.3 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस बाइक में भी आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, फुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है और इस बाइक का सारा फीचर्स डूक 200 के जैसा है। इस बाइक में भी आपको डुअल डिस्क विद डुअल चैनल EBS भी मिलता है, लेकिन इस बाइक का फ्यूल कैपेसिटी ड्यूक 200 से कम है, 9.5 लीटर। इस बाइक में भी आपको 138 KMPH की टॉप स्पीड मिल जाती है और माइलेज की बात करें तो 32-35 KMPL की माइलेज भी मिल जाती है। KTM डुक 250, इस बाइक का ऑनर प्राइस है दिल्ली में 2.27 लाख। और अगर इस बाइक का पावर फिगर की बात करें तो इस बाइक में आपको 248.8cc 4-स्टॉक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल FIBS6 कंप्लाइंट इंजन मिल जाता है, जो कि 30 PS का पावर और 24 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस बाइक में भी आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स और फुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, लेकिन इस बाइक में एक प्लस पॉइंट है, इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच भी मिल जाती है और इस बाइक में भी आपको डुअल डिस्क विद डुअल चैनल EBS मिलता है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इस बाइक में आपको 13.5 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी मिल जाता है
माइलेज की बात करें तो माइलेज आपको इस बाइक से 30 km/h की माइलेज मिल जाती है, और अगर टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक से आपको 150+ km/h की टॉप स्पीड मिल जाती है। KTM Duke 390, इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है दिल्ली में 2.90 lakh, और अगर इस बाइक का स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो इस बाइक में आपको 373.2 cc फुल स्टॉक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल FIVS6 कंप्लाइंट इंजन मिल जाता है, जो कि 43.5 PS का पावर और 37 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इस बाइक में आपको 6-speed गियर बॉक्स के साथ आता है विद स्लीपर क्लच। इस बाइक में भी आपको डुअल डिस्क विद डुअल चैनल EBS मिलता है, प्लस इस बाइक में आपको फुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाता है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इस बाइक में आपको 13.5 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है, और अगर माइलेज की बात करें तो कंपनी कहती है 25 km/h की माइलेज आराम से मिल जाएगी, और अगर टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक में आपको 160+ टॉप स्पीड मिल जाती है। KTM RC390, फ्रेंड्स इस बाइक का ऑनर प्राइस है दिल्ली में 2.92 lakh। इस बाइक का अगर इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इस बाइक में आपको 373.3 cc फुल स्टॉक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल FIVS6 कंप्लाइंट इंजन मिल जाता है, जो कि 43.5 PS का पावर और 36 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस बाइक में भी आपको 6-speed गियर बॉक्स मिलता है विद स्लीपर क्लच और डुअल डिस्क डुअल चैनल EBS के साथ आती है, प्लस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाता है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इस बाइक से आपको 9.5 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है। अगर माइलेज की बात करें तो इस बाइक से आपको 25 km/h की माइलेज मिल जाती है, और अगर टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक से आपको 160+ टॉप स्पीड मिल जाती है। ये बाइक KTM कंपनी की सबसे महंगी बाइक है भारत में। तो फ्रेंड्स आपको इन सब बाइकों में से कौन सी बाइक अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इसी से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।